यूक्रेन को टैंक्स देने पर रूस के अंदर जबरदस्त आक्रोश। जर्मनी के टैंक देने के फैसले से पूरे रूस में उबाल। रूसी प्रोपेगेंडिस्ट ने कहा नेटो से फाइनल वॉर करो, जर्मनी में भी नाजी रहते हैं, वहां स्ट्राइक करो। अभी मैंने आपको यह खबर बताई थी, अभी आपके स्क्रीन पर यह खबर अच्छे से देख लीजिए। जर्मनी के टैंक देने पर रशिया में जबरदस्त उबाल है। अभी टैंक्स कब पहुंचेंगे, क्या होगा, लेकिन तब तक यह गुस्सा यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से उतर ना जाए, कहीं आज की रात बहुत भारी ना पड़े, क्योंकि जब भी इस तरह का अनाउंसमेंट होते हैं वो रात यूक्रेन के लिए भारी होती है। क्या हो सकता है आज की रात? अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। यूक्रेनी हमले का रूस ने लिया बदला। सूमी में रूस की जबरदस्त गोलाबारी। रूसी अटैक में यूक्रेन के 200 सैनिक मारे गए। रूसी बमबारी में यूक्रेनी सैन्य बेस तबाह। सूमी में 24 घंटे में रूस ने 187 हमले बोले। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। सूमी में रूसी अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का बयान। डोनबास में पहले से बड़े हमले की प्लानिंग में रूस। पूर्वी यूक्रेन में रूसी फौज का जमावड़ा अचानक बढ़ा। आधे यूक्रेन पर पुतिन की नजर है, ज़ेलेंस्की ने कहा। आधे यूक्रेन पर पुतिन की नजर। अब जरा बहुत जल्दी से देखिए, कीव देखिए, सूमी देखिए, समझिए ये बात जो आपको अभी बताने की कोशिश कर रहे थे आपसे कुछ देर पहले विनोद ऑगस्टीन सर। रूस ने 187 बार एक ही दिन में अटैक किया है। ज़ेलेंस्की खुद इस बात को स्वीकार रहे हैं। ये देखिए, ये है कीव। यहां आपको कीव दिखाई दे रहा है, यहां आपको सूमी दिखाई दे रहा है, इधर चेर्निहिव है, इधर अगर आप आ जाएंगे तो ये खारकीव है। खारकीव के बाद इधर आप जानते हैं डोनबास का इलाका है, इधर ज़ेपोरेजिया और खेरसोन। अब सूमी की स्ट्रेटजिक लोकेशन, और अभी जो आपको बताने की कोशिश कर रहे थे वो जियोग्राफिकल लोकेशन, और क्यों अगर कीव को फॉल करना है तो सूमी का सिग्निफिकेंस है। अब जरा समझिए, यहां पर सूमी में अटैक के बाद जो दिखाई दे रहा है उस तस्वीर की तरफ आपको ले चलता हूं। ये दिखाई दे रहा है सूमी, अभी सूमी जो दिखाई दे रहा है, लोगों ने ये सोचा था कि सूमी के ऊपर से शायद, चेर्निहिव के ऊपर से शायद, शायद खारकीव के ऊपर से अब खतरा टल गया, लेकिन अचानक ही रूस ने ये बताया कि नहीं, ये सब जद में है। और कभी भी कुछ भी सरप्राइज, क्या ये सरप्राइज अटैक है, क्या ये कीव की तरफ चढ़ दौड़ने की पूर्व तैयारी है, एक्चुअली इसको किस तरीके से रीड किया जाना चाहिए, यहां जरा देखिए यूक्रेन की जवाबी एयर स्ट्राइक। यहां पर देखिए सबसे लेटेस्ट वीडियो है यूक्रेन आर्मी की। यहां पर बोट्स दिखाई दे रही है, जलती हुई रूसी कमांड पोस्ट दिखाई दे रही है। ये जो आप देख रहे हैं हमले के बाद भागते यूक्रेनी जवान। खैर, मैं एक बार फिर से आपको सूमी की तरफ ले चलूंगा और यह समझने की कोशिश करूंगा कि यहां पर 187 हमले एक दिन में, यह संदेश क्या है, यह तैयारी क्या है। विनोद ऑगस्टीन सर, कुछ और ऐसा जो दुनिया समझ नहीं पा रही है, जो आप जोड़ना चाहते हैं इस वक्त? दिनेश जी, आप थोड़ा सा मुझे बड़ा करेंगे तो मेरे पीछे दो इंडिविजुअल आपको नजर आएंगे। एक है विनोद ऑगस्टीन सर, को सिंगल विंडो में रखिए, देखते हैं क्या दिखाना चाह रहे हैं वो, जल्दी से प्लीज। एक वसीली ज़ाइट्सेव है मेरे बाएं तरफ और मेरे दाएं तरफ है लुडमिला पावलिचेंको। ये दोनों बहुत नामी गिरामी स्नाइपर्स हैं। वसीली ज़ाइट्सेव एक आदमी, उसके कंफर्म्ड किल्स 225 हैं, और एक औरत जो स्वेस्टोपोल से हैं, इनका 400 प्लस किल्स हैं। इनको नैंसी रीगन ने काफी सराहा था, अमेरिका में बुलाया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, इनके ऊपर आगे वाले समय, आने वाले समय पे इनके ऊपर अटैक होने का चांसेस रहता है, क्योंकि ये एक टैंक से भी बढ़कर हैं ये स्नाइपर्स। फोर्स मल्टीप्लायर्स निशाने पर खासतौर से रहते हैं। सर, एक खबर बता दूं, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं।